दोस्तों अभी धान कटा हुआ हो चुका है और अभी सभी को बैठे हुए हैं एक साथ। दोस्तों शादी के लिए सोच रहे हैं इस ज़मीन को गिरवी रखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हम लोग खाना वाना खा के आ गए खेत पे और ये देख सकते हैं भैया और माँ भी धान काट रहे हैं। लोग भी खाना खा के आ गए हैं, बस यही खेत बचा हुआ है हम लोग का काटने के लिए। एक खेत बचा हुआ है, देख सकते हैं कुछ उतना सा है, ज़्यादा नहीं है। और इधर काटा हुआ हो गया है क्योंकि इधर कल काटे हुए थे, यही काटना है। उसके बाद इन लोग तो काट रहे थे मतलब कल, और हम गए थे शादी घर, आप लोग को पता है शादी हो रहा था हम लोग दोस्त का बड़े भैया का। गए थे अभी टोटी सरना गए थे, रामगढ़ साइड पड़ता है जहाँ हम लोग का जिला है, वही गए थे। तो रीना इन लोग आधा काट लिए और अभी आधा काट रहे हैं हमें वहाँ, और पापा भी उधर खाना ला दिए। तो खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं अभी खाना खा रहे हैं, खाना लाए हुए थे। अच्छा लग रहा है, पानी आया था ना, पानी आया था ज़्यादा, लेकिन बहुत झरा था ना, यही मतलब यही खेत में बस हुआ था। और हवा भी चल रहा था ना, तो पानी भी दे रहा था, पूरा धान सूख गया है और बहुत ज्यादा झरा रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा हवा दे रहा है, हमको तो ठंडा लग रहा था। देख सकते हैं अभी तक खोले नहीं है, तो माँ और भैया इन लोग खोल लिए हैं, बस हम नहीं खोलेंगे। तो चलिए अब धान काटते हैं। तो दोस्तों खाना खा के पापा भी आ चुके हैं और हम हसुआ दे दिए अभी पापा को, और रीना भी काट रही है अभी। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत में, पानी मारा है ना, तो जो जिसे ऐसा होता है ना तो बांध के रखा हुआ है, बांधा हुआ है ना, तो उसको पलट देना है क्योंकि एक साइड भींजा होगा अंदर में, ऊपर तरफ तो सूख गया होगा, तो उसी को पलटा देना है ताकि दोनों तरफ सूख सके। उसके बाद हम लोग फिर पिसाना होगा। तो इसलिए अब हम चलते हैं दूसरा खेत में, रीना लोग यहीं पर काटे गए हैं ना, तो चलिए हम चलते हैं दूसरा खेत। और अब दोस्तों गाजर वार भी देख सकते हैं, गाजर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, दूर से ही नज़र आ रहा है हरा हरा, पहले नहीं दिख रहा था। और धनिया भी अब दिख रहा है अच्छा, अब कुछ ही दिनों बाद और भी बड़ा हो जाएगा, तब लेके धनिया चटनी मस्त हम लोग करेंगे, और गाजर भी बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, लोग आधा काटे आधा छोड़ दिए हैं पानी आने के डर से, कभी कभी मौसम चेंज कर देता है ना, तो आधा ही काट के बांध के रख दिए हैं, ये तुरंत उठा के ले जा सकते हैं, और बाकी उधर बचा हुआ आधा तो वो बाद में काटेंगे फिर। दोस्तों यहाँ जगह इतना पंछी कबूतर है ना, ये देखिए बोलते ही उड़ गए हैं, आप लोग को दिखाना चाह रहे थे, दिख नहीं रहे थे बैठे हुए थे, तो देखिए कितने सारे हैं। अभी पंछी लोग का पूरा एकदम मस्त एकदम हो गया है, धान कटा गया है ना, चारों तरफ पंछियों का मतलब दाना पानी मिल रहा है मस्त एकदम। पूरा जैसे धान कटा था ना, तो बहुत सारा यहाँ पर धान झड़ जाता है ना, तो सभी पंछियों का पेट भर जाता है एकदम अच्छे से पूरा। ये देखिए यहीं पर मंडरा रहा है, अभी हम जाएंगे फिर यहीं पर बैठ जाएंगे। ये देखिए क्या ही मस्त लग रहा है उड़ते उड़ते। इन पंछियों का बस मतलब बरसात में ही दिक्कत होता जाता, पानी से हवा से इन लोग का जो घोंसला वगैरह सब गिर जाता है ना, तो इन लोग का रहने का मतलब सुविधा ही नहीं रहता, तभी बरसात में जो होता है ना घर में सब रहने लगता है, किसी का छान में बैठ गया, इधर जाता तो कपड़े लाई घर है। इसे हम लोग का घर में भी कबूतर रहते हैं। अब आप लोग कमेंट भी करते हैं कैसे रहते हैं, भले ही और भी नियम का पालन करना पड़ता है, वो आप लोग को बताएंगे जब कबूतर जो बच्चा देगा ना उसके पास, आप लोग को दिखा भी देंगे सब कुछ कर देंगे, तब बता देंगे आप लोग को कैसे कैसे क्या होता है। फिलहाल तो अभी आज़ाद पंछी सब घूम रहा है मस्त एकदम अच्छे से, क्योंकि चारा मिल रहा है तो इन लोग, और घोंसला भी आजकल मतलब टूटने का डर नहीं है, इसलिए एकदम मस्त है पंछी लोग का मतलब इस सीज़न में रहने के लिए। दोस्तों पहुंच चुके हैं अपना धान खेत में, ये देखिए काट के बांध के बिछाया हुआ है, और क्या ही छोटा छोटा बीड़ा है। ये धान बहुत ज़्यादा मतलब पीछे रोपे थे ना, और यहाँ पानी नहीं आ रहा था तभी कर पाए, तो उतना तगड़ा नहीं हुआ है, बाकी देख सकते कहीं कहीं है पातर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो चलिए अब सभी को पलटना होगा, देखिए देखिए ये है ना, इसको ऐसे कर देना है, देखिए इधर भींजा होगा, ये देखिए इधर कलर आप लोग देख सकते हैं, इधर थोड़ा पीला ज़्यादा ही दिख रहा है, और वाला देखिए कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा भींजा हुआ है,
तो चलिए एक एक करके अभी सारों को अभी पलटना होगा। तो चलिए जल्दी से काम करते हैं। तो दोस्तों पूरे धान को पलाट दिए हैं एक बार, और ये देखिए भींजा हुआ है, ये ऊपर हो गया, अब धूप पड़ेगा तो ये सूख जाएगा। इसी तरह सभी वाला भींगा हुआ है, पानी आया था ना तो पलाट देना जरूरी था, तो सभी को पलाट दिए हैं पूरे। अब धूप तो चकाचक है, तुरंत सूख जाएगा एकदम। तो दोस्तों फिर से आ चुके हैं ऊपर वाला खेत में, और रीना चल गई है। कहाँ गई रीना? हैं खाना लाने? सुबह सुबह लाए थे ना, वाला ख़त्म हुआ था, पापा खा के ख़त्म किए थे, तो माँ नहीं खाए हैं इसलिए गई है। कब गई? हैं अभी गई है खाना लाने। चलिए अब हम लोग तीनों मिल के काटते हैं, चलिए अब हम उसको उठाते हैं, फिर खाना बना खाएंगे, काटना स्टार्ट करते हैं। तो रीना आ गई है खाना लेके, और माँ अभी धो रहे हैं बर्तन खाना खाने के लिए, और अब थोड़ी देर में अब शाम भी होगा, काफ़ी नीचे आ गया है सूरज। तो दोस्तों अभी खाना ले लिए हैं दोनों माँ बेटा, और मिलके खा रहे हैं यहाँ पर, और रीना इधर बैठी हुई है, अभी धान काटेगी थोड़ी देर में, तो चलिए खाना खाते हैं। तो दोस्तों अभी धान काटा हुआ हो चुका है, और अभी सभी को बैठे हुए हैं एक साथ। दोस्तों शादी के लिए सोच रहे हैं इस मतलब ज़मीन को गिरवी रखने के लिए, आप लोग को पता ही होगा शादी के लिए कितना ज़्यादा खर्चा होता है, और आप लोग को पता ही है हम लोग का स्थिति, इसलिए आज पापा जाएंगे मतलब जो होता है ना गिरवी रखने वाला उसके पास, और बातचीत करेंगे, इसको ज़मीन को गिरवी रखना है तब शादी वादी हो पाएगा। तो आप लोग को तो जान ही रहे हैं शादी में कितना खर्चा होता है, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, अगर आप किसी बेटी का बहन का शादी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, ये सबका मतलब गार्जियन का एक ऊपर होता है भार पूरा। तो हम लोग तो बस खेती बाड़ी करते हैं तो उससे नहीं हो पाएगा, तो यही इसलिए सोच रहे हैं इसको गिरवी रखने के लिए। शाम में जाएंगे पापा और बात करेंगे। दोस्तों अभी घर आ चुके हैं, उतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना, चीटर वगैरह सब कुछ पहन लिए, कान भी ढाँप लिए, और पापा पीछे हैं, और रीना अभी बनाएगी खाना है ना, और माँ गई अभी धोने के लिए, माँ भी आ गए हैं धो धा के, और अभी जा रहे हैं आग जलाने के लिए। अभी भात भात बनाना है कि रोटी? भात बनाना, भात बनाना। देखिए आग मस्त जल चुका है, पहले हाथ सेकते हैं, इतना ज़्यादा ठंडा दे रहा है ना पूरा, जब से पानी मारा तब से पूरा एकदम हाथ पैर ठिठुरा दे रहा है। अभी बर्तन वगैरह धोआ हुआ हुआ नहीं है, अभी रीना धोएगी, अभी गई है धोने के लिए उधर बर्तन वगैरह थोड़ा। और ये बांस का लकड़ी है, और काफ़ी ये बांस की लकड़ी तोड़ते मतलब होता है ना लकड़ी, तुरंत एकदम जल के राख हो जाता है, थोड़ा जब तक जलेगा तब तक सही, थोड़ा सा लेट हुआ ना बानी हो जाएगा तुरंत। तो चलिए आग का आनंद लेते हैं ठंडा में, काफ़ी अच्छा लगता है आग लकड़ी का आग तापने में। और दोस्तों बनने में अभी लेट है काफ़ी ज़्यादा ही। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।